देखो ग्रीन वाली तो मेरी रही, ऊपर से पन्नी की, इसे आराम से काट देंगे। अब ये क्या था भाई, ये क्या था, भिड़ाएंगे भिड़ाएंगे ये लोग आपस में, पक्का भिड़ाएंगे। अभी बड़े आसानी से काट दिया, मुझे लगा कि भिड़ा के लड़ाएंगे पेज। इतनी सारी पतंगे ना, समझ में नहीं आ रहा किससे लड़ाऊँ किससे नहीं लड़ाऊँ। पतंगे देखो सामने आप। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो भाई देखो आज की वीडियो में काइट कटिंग के ऊपर, देखो ग्रीन कलर की हम पतंग उड़ाने वाले, मांझा लूटा वो उड़ाएंगे जो लूट रखा है। तो ये वाली पतंग अभी पार कर रहा है, और काफ़ी लोग ना कल की जो मैंने वीडियो अपलोड करी है काइट कैचिंग की, तो आप लोग कह रहे हो भाई एक प्रॉपर वीडियो बनाओ ना, तो एक हफ्ते का टाइम दो, एक हफ्ते के अंदर आपको एक प्रॉपर वीडियो देखने को मिल जाएगी काइट कैचिंग के ऊपर, और पूरी वीडियो में पतंगे लूटेंगे और पकड़ेंगे उस वीडियो में, सॉरी कैच करेंगे। तो बस एक आध हफ्ते का टाइम दे, जल्दी आपको काइट कैचिंग की नई वीडियो मिलेगी। तो यहाँ पे देखो हम ग्रीन वाली पतंग पार कर रहे हैं, हवा थोड़ी कम है लेकिन इतनी है कि पतंग पार होके लड़ जाएगी। सामने देखो पतंगें उड़ रही हैं, पन्नी की पतंग लड़ रही है आगे, चलो उसी के पास ले जाते हैं। तो ये जाती हमारी पतंग, चलो पेड़ लड़ा के दिखाते हैं। एक पेज देखो मेरे सर के ऊपर ही लड़ रहा, जहाँ तक है ना ये लोग आपस में भिड़ा के लड़ाएंगे पतंग। ये देखो गए, भिड़ाया भिड़ाया, अबे ऐसे ही ले गया यार ये तो, मुझे लगा शायद ये फंसाएगा, लेकिन इसने तो ऐसे ही काट दी। देखो वो काट के जा रही है पट्टीदार, और किसने काटी थी, ये देखो ये वाली पतंग काटी थी, और ऊपर जो गिलास पतंग दिख रही है ना उसने काटी थी। चलो अपना पेड़ लड़ाते हैं, ग्रीन वाली हमारी रही, ऊपर से पन्नी की पतंग, इसको तो हम ऐसे ही खा जाएंगे। अभी देखो आप, ये चला नीचे से, ये तो गया भाई अपने हाथ से, डोर मिलाई खींचा। अब ये क्या था यार, बस इसी मारे देखो मैं इन पन्नी की पतंग से लड़ाता हूँ। पता नहीं यार कौन सा पेज काटा है, आप खुद ही देखो यार, मैं नहीं दिखा पाऊँगा इसे स्लो मोशन में, आप खुद ही बैक करके देख लेना कौन सा पेज काटा है इसने। ये पहली पतंग देखो यार काफ़ी गंदी हमारी कट गई, अब वो कौन सा पेज काटा अजीब गरीब पिद्दे ने, हमें नहीं पता। तो सेकंड पतंग हमने पार करी है, देखो दोनों की रेड पतंग है, हमारी पर हमारे अपोनेंट की भी। तो जो पतंग आपको रेड सर्किल के अंदर दिख रही होगी मेरी रही, नीचे से लड़ा रहा हूँ, ऊपर से हमारा अपोनेंट सेम ब्लू सर्किल के अंदर आपको दिख जाएगी। के जी अंदर का रुख दिखाया उन्हें, फिर छोड़ दी मैंने डोर। देखो थोड़ा मुंह की तरफ चल रहा है, हम सोच रहे हैं जितनी हम घेर के काट सके। अंदर रखा मैंने, जो चुटकी पर रख लिया कट गया, अरे नहीं कटा, नहीं कटा था भाई, उसकी पतंग ना पेड़ के पीछे घुस गई थी, मुझे लगा कि शायद कट गया है। आ गया, पूरा पोजीशन ले लिया मैंने खींचने की, खेजी बाहर की, अरे यार लो ये भी गई। तो आज तो शुरुआत ही बेकार हो गई यार, दो दो पतंगे कट गई हैं शुरुआत में ही, आगे देखते हैं कैसी वीडियो जाएगी। ये रही भाई हमारी तीसरी पतंग, रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग है, नीचे से लड़ा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है, और ब्लू सर्किल हमारे अपोनेंट के लिए वो ऊपर से है, सेम बन जाए जिसने अभी हमारी पतंग काटी थी। देखो रेड कलर की पतंग है उसकी, सेम उठा के दी, एक तो नहीं एकदम पीछे से उड़ा रहा है, तो थोड़ी डोर बहुत लेट में मिलती है, चिराव बहुत कम है हमारे बीच में, फिर हवा में कर ली देखो उसने। अभी दो पतंगे कट गई, तो थोड़ा मैं सोच समझ के ही पेड़ लड़ा रहा हूँ, याली पतंग मुझे काटनी ही काटनी है, कुछ काके दे दिया उसे, देखो मारा गिरता बाहर एकदम मारा है और काट दिया फाइनली, देखो याला पेज। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ ना, जब ये कोई बंदा मेरे पीछे से पेड़ उड़ाता है या आप लोग के भी पीछे से पेड़ उड़ाता हो, तो आप ना मांझा अपने हाथ के पास ही रखा करो, जैसे कि ये देखो मैंने रखा था, पतंग काटी है और मांझा देखो, ये देखो मेरे एकदम हाथ के पास ही चल रहा था, ताकि मेरी सद्दी ना कटे। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना, अगर कोई पीछे से उड़ाए तो मांझा अपने पास ही रखना आसपास। एक और पेज देखो यहाँ पर रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग नीचे उड़ा रहा हूँ, और हमारे अपोनेंट की पतंग ऊपर से है, ये देखो आया हमारा अपोनेंट बाहर के लिए जा रहा काफ़ी तेज़ी में, फिर ऊपर कर लिए देखो उसने, लाया और नीचे लाया। अब ये क्या हुआ, कन्ना ही टूट गया देखो उसका, हमारे अपोनेंट का कन्ना टूट गया, क्या करें, काट दूँ या बचा लूँ, अरे हटाओ ले जाता हूँ, बस मैं नहीं ले गया वही मेरी पतंग ले गया यार, कन्ना टूटी वाली पतंग बहुत ख़तरनाक होती है, आप भी देख लो। अब देखो काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है, पतंगबाजी अभी आगे बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि क्लियर नहीं आ रही, देखो थोड़ी डार्क आ रही है पतंगें, फिलहाल पतंगें क्लियर हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो कल बनाएंगे वीडियो। तो देखो ऊपर वाला पेज लड़ता हूँ यहाँ पर, काट दी भाई ग्लियर वाले ने, अंदर का दिखाया था नीचे वाले ने लेकिन काट दिया है। तो चलो फिर ये वाली वीडियो को यहीं रोकते, कल से वीडियो स्टार्ट करते।
तो आज भाई दूसरा दिन, कल काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी तो उसके बाद हमने पतंग नहीं उड़ाई, तो आज शाम ने पतंग उड़ेंगे। हवा थोड़ी सी चेंज हो गई आज। हमारी पतंग कहाँ है वो देखो, ऊपर आपको दिख जाएगी रेड सर्किल के अंदर, नीचे हमारा अपोनेंट ब्लू सर्किल के अंदर, उसकी येल्लो कलर की पतंग है। पता नहीं अभी यार वो क्या कर रहा है, एकदम उन्हें ढील छोड़ रखी है पतंग में। अब देखो उठा के ले आया, कर क्या रहा है, टूट गई इसकी, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है कुछ, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली देखो बंदा हमसे लड़ाने आ गया, लंबी कर रहा था वो अपनी पतंग, बनाया मैंने, मारा भार का, उसने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी करने का मौका नहीं दिया यहाँ पे हमने, और ये वाला पेज काट दिया है। आगे लड़ाते हैं और उसे, एक और पेज आ गया है रेड सर्किल में, मेरी पतंग नहीं, नीचे लड़ा रहा हूँ मैं, और ब्लू सर्किल में मेरा अपोनेंट की रही, थोड़ा सा लंबा पेज लड़ता भाई ये, हमारा अपोनेंट हमारी राइट हैंड साइड की तरफ से लड़ा रहा है। थोड़ा देखो मैं उसका झोल तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी पतंग काफ़ी ज़्यादा लंबी निकली है, झोल के पास आ गया, बाहर की खींची उसने, अंदर का रुक दिया था, लेकिन उसका झोल था वहाँ पे, तो झोल काफ़ी आसान होता है काटना, और यहाँ पे कट चुका है। रेड सर्किल के अंदर हमारी नीचे लड़ा रहा हूँ, ऊपर से हमारा अपोनेंट देखो ब्लू सर्किल के अंदर, और आज हमने दो पतंगें काट रखी हैं, पहली वाली से एक काटी थी वो टूट गई, और दूसरी वाली से एक काट रखी है अभी, ये सेकंड पेज चलता हुआ उठा लिए, मौका मिल गया, हमें मौका मिल गया, क्योंकि वो जब पतंग उठा रहा था तो उसका झोल नीचे आया और वही हमने काट दिया। यहाँ पे ताकत का खेल था, थोड़ी हमने ज़्यादा ताकत लगाई, काट दिया ये वाला पेज भी। आगे से देखो एक और पतंग पार हो गई है, रेड सर्किल अंदर मेरी, ऊपर से लड़ा रहा हूँ, नीचे से हमारा अपोनेंट आ रखा है, बनाया बनाया स्ट्रेट मारा है। अब ये क्या कर रहा है यार, इस बंदे की पहली पतंग काटी थी तो उसमें भी इसने कुछ नहीं करा था, और इसमें भी इसने कुछ नहीं करा, तो ये वाला पेज भी काट दिया इसमें। यार ऐसे पेज लड़ा के मज़ा नहीं आता अगर अपोनेंट कुछ ना करे, चलो किसी और की काटते। एक और पेज देखो नीचे से हमारी रही रेड सर्किल के अंदर, और ऊपर से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्किल के अंदर, आपको दिख जाएगा कंटिन्यूसली पेज चल रहे हैं काफ़ी जल्दी जल्दी, और इसी पतंग से हम काट चुके हैं तीन चार पतंगें, खड़ी कर दिए, खड़ी करके देखो खड़ी पतंग, उनने गिरता हुआ मुड्डा मार दिया सीधा, और पतंग उसकी कट चुकी है ये वाली, तो लगातार पांच पतंगें काट देंगे। एक और पेज देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी नीचे से हूँ, ऊपर से हमारा अपोनेंट है, काफ़ी ज़्यादा शाम आज भी हो गई है, चले अंदर उठा के दिए थोड़ी भाई, लेट हो गया। अरे यार इतनी बढ़िया पतंगें कट रही थी आज, लेकिन ये वाले पेज में लेट हो गया और यहाँ पे पतंग कट चुकी है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होंगी, तो लाइक वाइक करो यार, शेयर करो अपने पतंगबाज दोस्तों में, और आगे की वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, टॉपिक मुझे बताओ कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो जो कमेंट करोगे उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।